हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, हम लोग के जावा एडवांस के प्रोजेक्ट सीरीज़ का ये नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग अपने जो डिस्प्ले पोस्ट वाला मॉड्यूल था उसको कंप्लीट करेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे थे पोस्ट को दिखाने के लिए, हम लोगों ने एक बहुत बढ़िया कूल सा तरीका निकाला था कि पोस्ट हमारे दिख जाएं विद द हेल्प ऑफ अजैक्स। हम लोग एक अजैक्स की रिक्वेस्ट भेज दें और सारे पोस्ट हमारे दूसरे पेज से लोड होके हमारे करंट पेज में दिख जाएं, जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और हम लोगों ने एक छोटी सी रिक्वेस्ट भेजी थी कि जैसे ही आप पेज को रिफ्रेश करते हो या लोड करते हो, पेज को ओपन करते हो, सबसे पहले लोडिंग दिखेगा, उसके बाद रिक्वेस्ट जाएगी और वहां से आके कंटेंट लोड हो जाएगा। तो ये जो दिस इज लोड पोस्ट आ रहा था वो हमारे इस पेज से आ रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पेज में सारे पोस्ट को फेच करके जावा के थ्रू दिखा देंगे। तो हम लोग इस वीडियो में यही करेंगे, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सारे पोस्ट को दिखाएंगे। तो चलिए पोस्ट को यहाँ पे फेच करते हैं, दिखाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि हम पहले सारे पोस्ट को दिखाएंगे। तो हम लोग को लगानी है जावा, तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे स्क्रिप्टलेट टैग। ठीक है, हम लोग क्या लगा देंगे, स्क्रिप्टेड टैग लगा दिया भाई, स्क्रिप्टेड टैग। अब हम लोग यहाँ पे कॉल करना है हमें पोस्ट डाओ को, तो हम यहाँ पे पोस्ट डाओ का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सिंपली हम लोग बना लेते हैं भाई पोस्ट डाओ का ऑब्जेक्ट, डी इक्वल टू न्यू पोस्ट डाओ, परफेक्ट। हमें कनेक्शन देना है तो हम लिखेंगे यहाँ कनेक्शन प्रोवाइडर डॉट गेट कनेक्शन, परफेक्ट, कनेक्शन बन गया। उसके बाद हम लोग इस डी के पास एक फंक्शन है उसे कॉल करेंगे, तो हम लिखेंगे डी डॉट गेट ऑल पोस्ट, ये मुझे देगा लिस्ट ऑफ पोस्ट। तो मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट वेरिएबल बनाऊंगा कंटेनिंग पोस्ट। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पोस्ट, परफेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पोस्ट को ट्रेवर्स कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर ईच लूप। तो आते हैं, ट्रेवर्स करते हैं। हम लोग यहाँ करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर और एक वेरिएबल लेंगे पोस्ट का पी कोलन, लिख देंगे यहाँ पोस्ट, परफेक्ट। एक एक पोस्ट हमारा आ जाएगा और हमें इसके अंदर पोस्ट को प्रिंट करना है। तो प्रिंट करना बहुत ईजी है, आप हमें HTML चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली देखिए हम अपना स्क्रिप्टेड टैग बंद कर देंगे और फिर स्क्रिप्टेड टैग ओपन कर लेंगे, और जो HTML यहाँ पे लिखेंगे वो सारे पोस्ट के लिए क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। ठीक है, रिपीट हो जाएगा। तो हम लोग सिंपली करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग को कार्ड्स बनाने, क्योंकि जो पोस्ट दिखाएंगे वो कार्ड्स के फॉर्म में दिखाएंगे, कार्ड के फॉर्म में दिखाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले रो ऊपर बना लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बना लेंगे डिफ रो क्लास रो, और ये रो हम यहाँ नहीं बंद करेंगे, रो हम सबसे नीचे बंद करेंगे कि हमारे सारे पोस्ट रो में रहें। ठीक है, अब हम कॉलम्स को रिपीट करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो रिपीट करना है उसके अंदर लिखेंगे, तो हम लिखेंगे क्लास कॉल और हम लिखेंगे MD मीडियम स्क्रीन तक, मीडियम स्क्रीन एंड मीडियम स्क्रीन के ऊपर हमें दो दो कॉलम्स रखने हैं, तो 6 ले लूँगा और परफेक्ट। अब ये कॉलम्स जो होगा वो रिपीट होता जाएगा, और हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर बना देंगे भाई अपना कार्ड। ठीक है, कार्ड बना देंगे, परफेक्ट। और हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए हमारे डेटाबेस में। हमारे पास सबसे पहले टाइटल है दिखाने के लिए, तो हम सबसे पहले टाइटल दिखाते हैं। तो हम लोग लगाएंगे डेफ क्लास कार्ड बॉडी, और बॉडी में हम लोग लेंगे एक H3, और H3 में हम कार्ड का टाइटल, लेट मीन्स हमने ब्लॉक का टाइटल दिखा देंगे। तो एक्सप्रेशन टैग लगाएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे p.p.get गेट टाइटल। ठीक है, टाइटल, और हम लोग अपने पेज को आके रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, तो परफेक्ट, हमने चार पोस्ट किए थे और वो चारों पोस्ट यहाँ पे दिख रहे हैं। देखिए, व्हाट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क, व्हाट इज पाइथन, व्हाट इज द यूज ऑफ मैप फंक्शन, सारे पोस्ट दिख रहे हैं परफेक्टली, बस थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। तो हम H3 को हटा के हम लोग यहाँ पे बी फॉर बोल्ड लिख देंगे, तो पोस्ट हमें बोल्ड में दिखेंगे, दिखाता हूँ आपको। ठीक है, व्हाट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क दिख रहा है, और हम क्या करेंगे, हम लोग इस कार्ड या कॉलम की ही हल्का मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप 2 दे देते हैं, तो ऊपर नीचे से हल्की से जगह आ जाएगी, परफेक्ट। फिर उसके बाद हम लोग डिस्क्रिप्शन दिखाते हैं, तो हम लोग लगाएंगे पी, और पी के अंदर लगाएंगे एक्सप्रेशन टैग, और जैसे टाइटल निकाला है वैसे ही पी डॉट गेट डिस्क्रिप्शन निकाल लेंगे, गेट कंटेंट है भाई, डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो गेट पी कॉन्टेंट। ठीक है, और हम फिर से आगे रिफ्रेश करेंगे, तो देख पाओगे आपके यहाँ पे पोस्ट के कंटेंट भी दिख रहे हैं, सबसे पहले टाइटल फिर कंटेंट, उसके बाद अगर कोई कोड है तो कोड दिखा दो भाई। कोड हमेशा क्या होता है, प्री टैग के अंदर होता है, तो हम प्री टैग यूज़ करेंगे, और प्री टैग के अंदर आप कोड टैग भी यूज़ कर सकते हो, बट प्री टैग भी अच्छा है, हम लोग अभी देख लेंगे बाद में इस कोड को स्टाइलिंग वगैरह कैसे करेंगे। तो
तो अभी तो फिलहाल हम पी टैग के अंदर अगर कोई कोड है तो कोड दिखा दे रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे पी डॉट गेट और पी कोड हेरा, और अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो पी कोड भी दिख जाएगा। तो देखिए अभी तक कोई पी कोड किसी में नहीं, तो यहाँ पे नो नो दिख के आ रहा है, अगर आप कोड होता तो यहाँ पे कोड दिख जाता। और क्या चीज़ है मैं देख भाई दिखाने को, तो फोटो है दिखाने को, तो फोटो भी दिखाएंगे। तो फोटो दिखाने के लिए हम लोग मैं थोड़ा हेल्प लूँगा बूटस्ट्रैप कार्ड की, तो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप फोर और यहाँ पे आऊँगा कार्ड, ठीक है कार्ड, और कार्ड क्लिक कर दूँगा और मैं ये वाला इमेज टैग कॉपी कर लूँगा और इसको पेस्ट करना है अपने इसके ऊपर, ठीक है कहाँ पे, अपने कार्ड बॉडी के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे हमें लिंक देनी है, तो मैं कहूँगा भाई जो मेरी सारी इमेजेस हैं ब्लॉग की वो कहाँ पे रखी हैं, देखिए हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, हम लोगों ने इमेजेस रखा था ब्लॉग पिक्स में, तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले जो इमेज आएंगी वो ब्लॉग पिक्स के अंदर आएंगी, और फिर फोटो का नाम लेना है, तो लगाएंगे स्क्रिप्टेड टैग और लिखेंगे पी डॉट गेट 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 पिक और स्क्रिप्टेड टैग को बंद कर देंगे, परफेक्ट। और अगर अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख पाओगे आपकी फोटो परफेक्टली दिख रही है। बट हुआ क्या है, पहले की फोटो नहीं है, पहले वाले आप पाएंगे कि पहले वाले की फोटो अपडेट नहीं हुई थी, तो यहाँ पे फोटो नहीं दिख रही है। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे ही इसको सही करने के लिए, फोटो अगर ना हो उस केस में हम लोग एक डिफॉल्ट फोटो भी रख सकते हैं कि अगर फोटो नहीं है तो बाय डिफॉल्ट एक फोटो हो जाए, लेकिन फिलहाल तो मैं क्या करता हूँ कि जो दूसरे की फोटो है वो पहले में डेटाबेस में चेंजेस कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वही चीज़ रख के सेव कर देता हूँ, तो आपके पास एक डिफॉल्ट फोटो हम लोग रख लेंगे कि अगर आपके पोस्ट के लिए फोटो नहीं है तो वो फोटो डिफॉल्ट चल जाएगी, तो परफेक्ट है। बाय डिफॉल्ट अगर कोई लॉगिन करेगा तो जितने लेटेस्ट पोस्ट होंगे दिख जाएंगे, तो फिलहाल अभी लेटेस्ट पोस्ट नहीं आ रहे हैं, ये पुराने पोस्ट हैं, तो हम लोग क्या करते हैं इसको ऑर्डर वाइज शॉर्ट कर देते हैं, डेट वाइज शॉर्ट कर सकते हो या पीआईडी वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर शॉर्ट करते हो। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे अपने पोस्ट डाओ में, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे देखिए गेट ऑल पोस्ट में क्वेरी चेंज कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं ऑर्डर बाय लिख देंगे PIDTSC, ठीक है सेव कर देंगे, और हम लोग अपने इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, और फिर से लॉगिन करने की कोशिश करेंगे ABC, ठीक है, तो फिर से लॉगिन करने की कोशिश करेंगे ABC, ठीक है। तो देखिए अब परफेक्ट है, और परफेक्ट दिख रहा है सारे पोस्ट, और अगर आप स्मॉल स्क्रीन पे देखोगे तो ये पोस्ट एक एक पोस्ट में चेंज हो जाएंगे, परफेक्ट। तो अभी कुछ चीज़ें मुझे और भी दिखानी है, मुझे अभी डेट दिखाना है, इसमें किस यूज़र ने ये पोस्ट डाला ये भी दिखाना है, तो हम यहाँ पे यूज़र का नाम भी दिखा देंगे पोस्टेड बाय दिस और डेट भी दिखा देंगे। और हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में काम करना है कि भाई अगर आप जावा पे क्लिक करो, क्योंकि ये सारे ऑल पोस्ट हैं, तो अगर आप जावा पे क्लिक करते हो तो जावा के सारे पोस्ट आ जाएं, वेब टेक्नोलॉजी पे क्लिक करते हो तो वेब टेक्नोलॉजी के सारे पोस्ट आ जाएं, डेटाबेस पे क्लिक करते हो डेटाबेस के सारे पोस्ट आ जाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा इस पे डिजाइनिंग करेंगे अपने पोस्ट पे, और हम लोग अपने कैटेगरी वाइज पोस्ट वाले काम को कंप्लीट करेंगे, और कुछ डमी डेटा भी हम लोग डालेंगे। तो परफेक्ट, हम लोग का जो प्रोजेक्ट है मोस्टली 50-60% कंप्लीट हो गया, और मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल दी। तो अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए लर्न कोड विद दुर्गेश, और वहाँ पे सर्वेड एंड JSP की प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ पे ऑलमोस्ट 60 वीडियोस कंप्लीट होने वाली हैं, जिसमें हम लोगों ने 23 या जिसमें हम लोगों ने देखिए 17-18 वीडियो हम लोगों ने सिर्फ प्रोजेक्ट की डाल दी हैं, और कम से कम 30-35 वीडियोस हम लोगों ने ट्यूटोरियल डाल दिए। तो अभी तक आपने प्लेलिस्ट को नहीं एक्सेस किया तो मेक श्योर प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।